नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आमजन को यातायात के नए नियमों की जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा किया गया जागरूकता अभियान 13 सितंबर से 15 सितंबर तक 3 दिनों तक चलाया जाएगा ये अभियान। अभियान के अंतिम दिन आमजन को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में तथा जुर्माने के बारे में जानकारी दी गई। वही वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए खुश भेंट किए गए। DSP राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साल में करीबन 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सरकार के निर्देशानुसार जिला सिरसा में आमजन को यातायात के नियमों की जानकारी विस्तार से देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 13 सितंबर से 15 सितंबर तक 3 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज इस अभियान का अंतिम दिन था। जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग में RSO के सहयोग से आमजन को सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन व नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी व जुर्माने की जानकारी देने के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस कर्मचारियों द्वारा आज सहयोग से वाहन चालकों को गांधीगिरी का पाठ पढ़ाते हुए पुष्प देकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। इसमें अभी हमारे माननीय DGP सर मनोज यादव जी, उनकी तरफ से डायरेक्शन थी कि 3 दिन के लिए लोगों को जो बढ़ा हुआ जो अमेंडेड जो चलान की व्यवस्था है मोटर व्हीकल एक्ट की, वो लोगों को चलान ना करके हम अवेयर करें, जो वायलेट करते हैं, जो रूल तोड़ रहे हैं नियमों का, तो उनको रोक के उनको बताएं कि भैया अब आपने जैसे ये वायलेशन किया, ये रूल तोड़ा है और इसका 5,000, 2,000, 1,000 जो भी जुर्माना बनता है उनको बताया जाए कि इतना जुर्माना हो रहा है। आज आपको चेतावनी भी दी जा रही है, साथ में सलाह भी दी जा रही है कि आपका जीवन जो है आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सड़क यातायात सुरक्षा के जो नियम हैं उनको पालन करें और उनको एक फूल भी भेंट करेंगे। उसमें RSO सिरसा जो हमेशा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक काम में, तो उसकी भी पूरी टीम आज आई हुई है। असल में क्या है कि जैसे सिरसा शहर में ना हेलमेट नज़र ही नहीं आती थी, जो है सिर के ऊपर कभी टू व्हीलर पर बहुत कम दिखते थे। अभी आप खड़े हो गए तो 5-7-10% लोग अभी जो पहनने लगे हैं, अभी परसेंटेज तो हालांकि यही है, पर अब हैवी पेनल्टी का मतलब ही यही है, क्योंकि 1.5 लाख आदमी जो एक साल में मर जाता है हिंदुस्तान में रोड पे, जो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है ये। तो लोगों को बहुत समझा लिया, 100 रुपये के 200 के चलान से नहीं मानते थे, हो सकता है इससे जान बच जाए। इससे पुलिस सरकार का या पुलिस का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि पैसा इकट्ठा करना है, मेन ये है कि जो 12 साल से 35 साल की उम्र का 1 लाख से ज़्यादा आदमी एक साल में मर रहा है, वो घर ख़त्म हो जाता है जिसका कमाने वाला मर जाए। तो प्रयास यही है कि लोग अवेयर हों, एक तो अनुशासन सीखें, सड़क पे अनुशासन सीख गए तो घर में भी रहेगा, ऑफिस में भी अनुशासित रहेगा और दूसरा जान भी बचेगी। स्वाभाविक मौत तो अलग बात है, मतलब एक जो है प्राकृतिक ये याद रखना, ये अपना
हेलमेट रखना है।